हिमाचल के मैं यंग लोगों को कम से कम 30-40 साल की उम्र में, कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे लिए बड़ा अपसेटिंग भी है और सरप्राइज भी है, है ना। ये क्यों है? एक बार कुछ साल पहले मैंने शिमला में भी एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये तो बहुत ही अनयूजुअल जैसी चीज़ है कि हम लोग हिमाचल में जहाँ इतना चलना फिरना होता है फिर भी ये सब का कारण तो अब मैं मेरी समझ में यही है। एक तो आजकल हम लोगों ने अपने पैदल चलना ये सब बंद कर दिया हुआ है, यंग लोगों के पास बाइक्स हैं ये हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम कर दी हुई है। दूसरा ये जो खान पीन जो है बहुत ख़राब हो चुका है, जंक फूड खाते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल खाना अगर हम देखें तो हिमाचल में बहुत अच्छा खाना है ना, जो सब्जियाँ हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, और पर वो सब अब ख़त्म हो रहा है। एक बहुत ही अलार्मिंग है। दूसरी कंट्री में क्या हो गया है, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो स्ट्रोक वगैरह बहुत कम हो गई हैं, पर हमारी कंट्री में देखा जाए तो ये बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। यंग एज में अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये बहुत ही ख़राब है। यंग एज तो आदमी के लाइफ का वो होता है ना, यही डिज़ीज़ जो दूसरी कंट्री में होती है वो एल्डरली लोगों में होती हैं जो 60-70 से ऊपर होते हैं, पर हमारी कंट्री में 50% से नीचे जो मैं सर्जरी करता हूँ वो यंग एज के होते हैं। और कार्डियोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में अगर हम दुनिया भर में देखेंगे तो आजकल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की तरफ से ही इलाज होता है। और मैंने बात करी जो हम परकुटेनियस वैल रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसको हम ट्रांसकुटेनियस एओर्टिक वैल रिप्लेसमेंट या टावी कहते हैं, उन लोगों को जो बुज़ुर्ग होते हैं या जिनको रिस्क ज़्यादा होता है सर्जरी का और उनको अगर वाल्व बदलने की ज़रूरत होती है एओर्टिक वाल्व की, तो उसमें आजकल हम बिना सर्जरी के ग्राइन से जाके परकुटेनियसली एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस करते हैं। ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोसीजर है और आजकल बहुत इसके बारे में एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उन लोगों को जिनको वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और जिनकी उम्र ज़्यादा है 65 से ज़्यादा, या जिनकी पहले सर्जरी हुई है एओर्टिक वैल रिप्लेसमेंट हुआ है, और या जो बुज़ुर्ग लोग हैं और मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनमें हम ये परकुटेनियसली वैल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। बड़ा सेफ प्रोसीजर है और बिना बेहोश किए होता है, बिना लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है, और इसमें रिकवरी बड़ी फास्ट होती है और 2 दिन के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये प्रोग्रेस हो रही है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में, और आपके माध्यम से मैं हिमाचल की जनता को बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्निक है ये बड़ा सेफ़ है और इससे बड़ा सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलते हैं।